तो बस यहाँ पीछे से तो गाड़ी को पास करवा दिया, अब आगे चलना है, वहाँ पे कंडा करवाना है। तो बस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से लिया हमने पानी और एक ड्यू बोतल इधर से, तो वो रही अपनी दूसरी गाड़ी। ओ उड़ गए भाई, आजा आजा पहले फ्रेश हो जाएंगे इधर। ओ आजा इश्फाक भाई भी उड़ गया। तो फाइनली पहुंच गए हम डमटाल में, तो यहाँ पर डालेंगे तेल यानी कि अपनी टंकी फुल। तो ये चल रहा है अपनी गाड़ी की टंकी, तो देख ही सकते हो यहाँ पर 80.45 आ जाए। तो जैसे हमने कल डाला था ना वहाँ पे 87, 86, 92 ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर हम डालेंगे तेल खाली 10,000 का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रेट कितनी है 87.46। हिमाचल तक ये चलेगा, हिमाचल प्रदेश, फिर हम नमदाल में डालेंगे अच्छे से तेल, वहाँ पर 79 में ही पड़ता है। ये आगरा में यहाँ पे तेल की रेट इतनी है। तो उस भाई ने भी 10,000 का डाल दिया और हमने भी, तो बस डाल दिया तेल और आप निकलेंगे यहाँ से हैं। तो अभी हम पहुँच गए हरियाणा पंजाब में, मतलब ये जो सोनीपत है ना वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो मैंने आगरा से तो व्लॉग नहीं उठाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो था ना ये अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं इसको। अभी यहाँ से थोड़ी लाइट आ गई सड़क की, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी क्लिप उठाऊँगा, आपको बताते चलूँगा कि कहाँ पहुँचे क्या कर रहे हैं। तो कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे रात को, तो अभी पहुँचे सोनीपत में। तो सॉरी उसके लिए कि मैंने रात को व्लॉग नहीं उठा पाया, तो कैमरे की वजह से ना, मतलब फ़ोन का कैमरा जो ये अच्छा नहीं है, रात को अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो उसके लिए सॉरी। कर रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, ये आप देख सकते हो आगे चल रही है अपनी दूसरी गाड़ी और मैं चला रहा हूँ कंटिन्यू अपनी गाड़ी, और बाकी सारे भाई जो है वो तो सोए हुए हैं, खाली इम्तियाज़ भाई और मैं अभी गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी देखेंगे आगे रुकेंगे कहीं पे, सुबह के बज गए करीबन 6, तो अभी रुकेंगे कहीं पे, फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट हम और बाकी के भाई जो हैं वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज नेक्स्ट डे करनी है अपनी व्लॉग की शुरुआत, पता है कहाँ से? पानीपत से। तो सॉरी उसके लिए मैंने कल से शूट नहीं किया, कल रात को हम पूरी चले, मेरा मोबाइल जो है ये ठीक नहीं है, मतलब इसमें रात को क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, पर क्या करे, मैं फिर भी ट्राई करता रहता हूँ मतलब डेली व्लॉगिंग करने की। डेली तो मैं कर रहा हूँ दिन को, पर रात को नहीं कर पाता, तो चलो उसके लिए सारी दिल से। तो अभी हम पहुँचे हैं पानीपत में, तो यहाँ पर टोल तो हमने क्रॉस कर लिया, बस अब यहाँ से निकलना है आगे। थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, बया गया था फ्रेश होने के लिए इम्तियाज होया, तो कंटिन्यू चला रहा था गाड़ी रात को है ये और मैं, बाकी सारे सोए हुए थे है का? तो अब हम सोच रहे हैं हम चलेंगे आगे थोड़ा सा और रुकेंगे कहीं ढाबे पे, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे है ना, और उसके बाद पियेंगे चाय भाई। चलो आगे के हाँ, तो कंटिन्यू ही चल रहे थे सुबह से, मतलब कल शाम से। तो यहाँ से मैं चढ़ूंगा गाड़ी में और चलूंगा इम्तियाज भाई के पीछे पीछे। तो बस कर लिया अपनी गाड़ी स्टार्ट, अब देखते हैं इम्तियाज भाई जहाँ पे रुकेगा ना वहाँ पे मैं भी रुकूंगा, जैसे के पीछे मुझे भी चलना है। चलो जी करते हैं अपना सफर कंटिन्यू यहाँ से, आज का दिन करते हैं शुरुआत और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं से शुरू। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यहाँ से आप लाइक करके रख दो, क्योंकि आज हमें मंडी करवानी है, आज रात को ही मंडी करवानी है श्रीनगर में। तो कंटिन्यू चलेंगे आज दिन को भी और रात को भी, इंशाल्लाह पहुँचेंगे आज रात को श्रीनगर। तो ये रहा हाईवे राइट साइड में, तो आगे से हम मर्ज हो जाएंगे इस हाईवे पे। दो टोल तो हमने क्रॉस कर लिया, अब बस एक और रह गया है जो आगे आने वाला है जल्दी। सारे यहाँ पर भाई देख सकते हो, मतलब ट्रक वाले भाई राइट लेफ्ट साइड में रुके हुए हैं, वो सोए हुए थे, पर हम नहीं सोएंगे क्योंकि अपना कच्चा माल है ना, कच्चा माल में नींद ही करते हैं, कंटिन्यू चलते हैं कंटिन्यू। और भी यहाँ से हमें दिखने वाले हैं, मतलब बहुत सारे भाई जो कि कश्मीरी गाड़ी चलाते हैं, कश्मीरी ट्रक, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे आगे, मतलब बहुत सारे भाई दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ गए एक और बोर्ड, इसको मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा, अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं अभी। थोड़ा सा आपने पार्ट लिया, देखो अपना जो भाई है ना वो अभी सोया है और मामू भी इधर ही सोया है, तो कंटिन्यू चल रहा था, मैं तो कंटिन्यू ही चल रहा था कल शाम से। तो ये आ गया चौथा टोल प्लाजा, तो अभी हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग गया। तो अपना मामू
आप भी उठ गए हैं पूरी रात आपने नींद की। मैंने मामू को रात को जगाया था, मैंने बोला 10 किलोमीटर खाली निकाले, इसने माना ही नहीं, सीधा बोला कि मैं नहीं चलाऊंगा अगर 1 किलोमीटर भी बोलोगी। फिर सो गए, फिर मैं खुद फिर से उठ गया और चलाने लगा। चलो कोई ना, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, देखते हैं हमारी सर्विस कितनी तेज हो जाएगी। वैसे तो तेजी होगी क्योंकि जैसे ही गाड़ी जाती है ना, अभी वो निकल गया आगे, हमारा इम्तियाज भाई निकल गया आगे हमसे, वो आया लेफ्ट लाइन से तो वो निकल गया आगे। यहाँ से तो बहुत जाम लगा हुआ है। चलो कोई ना, हम भी अब एक ही गाड़ी है, इसका बाद हमारा नंबर है। और रिश्वक भाई तो अभी सोया ही हुआ है, आगे रुकेंगे कहीं पंप पे। हम यही सोचते थे सुबह 6 बजे से, हम यही सोच रहे हैं कहीं पे रुकेंगे कहीं पे रुकेंगे, पर रुकने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्या करेंगे। कच्चा माल की गाड़ी है ना, इसमें यही पंगा रहता है। करो जल्दी, कितना टाइम लगा रही हो। ये राजपुरा का टूल क्रॉस करके निकल रहे हैं आगे आगे, तो सुबह का टाइम है ना, बहुत ही मस्त सब लोग आगे देखने को मिल रहा है। तो चल रहे कंटिन्यू अपना। दूसरा भाई वो तो चला गया आगे, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है कितना आगे चला गया, टूल पे वो आगे निकला ना, अब तो नजर ही नहीं आ रहा कहाँ पे है, शायद अब रुकेगा वो कहीं पे, तो पियेंगे फिर चाय वाय करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मिल गया अपना भाई, मतलब वो रुका था यहाँ पे, ये जो कश्मीरी ढाबा है ना यहाँ पे, आपको पता ही होगा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका लुक। तो यहाँ पर स्पेशल मिलती है नून चाय, तो वही पीने के लिए भाई आ गया है यहाँ पे। अब मैं भी लगाऊंगा गाड़ी को साइड में और पियेंगे चाय वाय। तो बस लगा दिए यहाँ पे गाड़ी को साइड में, आप देख सकते ये होटल में इसकी बात ही कर रहा था, कश्मीरी होटल। तो यहाँ पर मिलती है स्पेशल नून चाय, अगर आप भी यहाँ पे आते हैं ना राजपुर में, तो यहाँ पर आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो वो रही अपनी दूसरी गाड़ी, ओ उड़ गए भाई, आजा आजा पहले फ्रेश हो जाएंगे इधर। ओ आजा इशाक भाई भी उड़ गया, इशाक भाई नींद अच्छे से की कि नहीं, सच बोलना हाँ, आप कल शाम को ही सोए। तो देखो हमने त्रिपाला रात को ही ऊपर कर लिया था, क्योंकि ये जो है ना गर्म हो जाते हैं केले, उस साइड से भी किया और इस साइड से भी, इस साइड से इशफाक भाई ने किया, देखो ये आ रहा था फिर से नीचे, तो मैंने उस साइड से किया, वो अच्छा हो गया, मतलब वो नहीं आएगा, मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा ऊपर। तो चलो करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे फिर से आगे, हमें रुकना कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जितना जल्दी उतना हम करेंगे। तो चलो निकल गए हम यहाँ से इस ढाबे से, इसको करते हैं बाय बाय, अपनी गाड़ी तो निकल गई, अब इसकी गाड़ी है। तो चलो इशफाक भाई हम चलते हैं आगे आगे, अब हैं थोड़ा सा चलेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। अब इशफाक भाई चला रहा है गाड़ी, मैं तो करूँगा रेस्ट, आपको पता ही है कितनी मेहनत की मैंने रात को, तो आप चलेंगे यहाँ से कंटिन्यू। चलो इशफाक भाई तो बस चल रहे कंटिन्यू, 12 तो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, एक बार क्या करे, मैं सो जाऊं, मैं वीडियो की एडिटिंग करूं या और कोई काम करूं, करने को तो बहुत कुछ करना है, पर क्या करें, पहले नींद जरूरी है, नींद जब हो जाएगी ना तब मुझे फ्रेश फील हो जाएगा और फिर करेंगे बाकी सारा काम। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया पहले चावल को बना के रखेंगे, क्योंकि लंच का इंतजाम भी करना है, तो सब्जी तो कल की बनी हुई है ना। तो अब इशफाक भाई कंटिन्यू चला रहा है गाड़ी, तो मैं बनाऊंगा ये चावल बना के रखूंगा और सो जाऊंगा फिर कुछ टाइम के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, बस आधा घंटा, इतना ही मुझे नींद करना है, ज्यादा नहीं, आधा घंटा मुझे तो सोना, मैं तो 2 दिन से सोया ही नहीं है ना इशफाक भाई, 2 दिन से मत सोया, मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं, आज तीसरा नाइट है तो आज भी नहीं सोया, खाली आधा घंटा नींद कर के बाद, आधे घंटे के बाद फिर से उठूंगा, ऐसे ही वीडियो क्या एडिटिंग करनी है, आखिर रात के लिए वीडियो लाना है, और मेरे बाकी वीडियो बनानी है यार। ऊपर से यहाँ पे पानी भी खत्म हो गया, आप कहाँ से लाएंगे, यहाँ हाईवे पे मिलता ही नहीं है। तो बस जलंधर को हमने क्रॉस करके वहां से हमने राइट मोड़ लिया, तो आगे चल के हम रुके शहर में,
तो यहाँ पर हमने किया लॉन्च। अभी बज गए दिन के 2, तो हमने सोचा लॉन्च करेंगे, उसके बाद ही चलेंगे यहाँ से आगे। तो चलो निकलते हैं अब वापस, अपने सफर पे करते हैं कंटिन्यू अपना सफर। तो बस कर लिया अपना सफर फिर से कंटिन्यू, अपना मामू चल रहा है आगे की, मैं पीछे पीछे उसके। तो भाई अपने दो बैठे इधर ही कर रहे हैं आपस में बातें, तो मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू अपना सफर पे। तो आगे से हमें रुकना है एक जगह, तो वहाँ से उठाना है थोड़ा सा सामान। अब यहाँ से ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ मतलब अपनी कश्मीर की दिख जाएगी, वो आप देख सकते हो गाड़ियाँ है ना, मतलब कश्मीर की है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियाँ अपने ट्रकों की लाइन लगेगी अब यहाँ से कश्मीर के वालों की। तो मिलते रहेंगे आपसी में अपने भाइयों के साथ और आपके साथ ही अपना सफर कंटिन्यू। ये पहुंचे हम मुकेरिया में, तो यहाँ पर अभी लाल बत्ती लगी हुई है ना, इसकी वजह से हमें वेट करना पड़ेगा। तो शफाक भाई चला रहे हैं अब गाड़ी, मैं करूँगा अब थोड़ा सा रेस्ट, और इंदियास भाई अपने साथ है। इंदियास भाई मजे में हो, गर्मी मत लग रही है ज्यादा? गर्मी तो लग रही है, ये तो सर्दी है ना। आप जाएंगे ना हम आगे कश्मीर में, वहाँ सर्दी लगेगी है ना, ठंड लगेगी। हाँ तो ठंड नहीं, चलो खुल गई लाल बत्ती, जाने जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। देखो यहाँ से कितनी गाड़ियाँ हो गई, और इस साइड से भी देखो कश्मीरी गाड़ियाँ, आप देखो कितनी आ रही है, देखो उस साइड से कितनी कश्मीरी गाड़ियाँ आ रही है। तो अपनी राइड तो कंटिन्यू है फिलहाल, मिकेरिया में ये मेन चौक है जहाँ पे अक्सर जाम लगता है लाल बत्ती की वजह से। फाइनली पहुंच गए हम डमडाल में, तो यहाँ पर डालेंगे तेल, यानी कि अपनी टंकी फुल। तो ये चल रहा है अपनी गाड़ी की टंकी, तो देख ही सकते हो यहाँ पर 80.45 आ जाए। तो जैसे हमने कल डाला था ना वहाँ पे 87, 86, 92 ऐसा कुछ कुछ था। तो ये आ रहा, तो ये आ गया अपना भाई भी, ये इम्तियाज भाई की गाड़ी, तो ये भी करेंगे फुल टंकी और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से डमडाल से फिर आगे। तो अपना ये इशफाक भाई भी इधर ही बैठा है, बाकी सभी भाई ना, सभी ड्राइवर भाई कश्मीर के, बाकी सब जगह के यही पे डालते हैं तेल, क्योंकि यहाँ पर सस्ता पड़ जाता है इसलिए। तो चलो हम भी डालते हैं तेल, देखते हैं कितने का हो जाएगा, अभी चल रही है टंकी। फाइनली हम तो पहुंच गए बॉर्डर पे, जो जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पे पहले गाड़ी को पास करवाना पड़ता है और उसके बाद ही एंट्री हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे एंट्री होते हैं। तो बस यहाँ पीछे से तो गाड़ी को पास करवा दिया, अब आगे चलना है, वहाँ पे कंडा करवाना है। तो कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, तो चलते हैं आगे करवाना है वहाँ पे कंडा। तो पहुंच गए हम कंडे पे, अब यहाँ से कंडा करवाना, देखते हैं अपनी गाड़ी कितने टन की है। तो ये तो पहले ही हमें पता है, अब इनको दिखाना है कि कितने हैं। बस हो गया, चलो देखो सारे भाई ऐसे ही करवा रहे हैं। चलो हो गए हम जम्मू एंड कश्मीर में एंटर, अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे 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 आगे से हम पहुंचेंगे दार रोड और सीधा कश्मीर। बस जल्दी पहुंचने वाले, और यहाँ से तो अंधेरा भी होने वाला है जल्दी। हम करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू, देखो कहाँ से आना पड़ रहा है। पहले हम वहाँ से आ गए उस पुल से, जो ये पुल है ना, ये रेल का पुल है, उसके बाजू में एक और पुल है, तो वहाँ से हम आ गए, फिर इधर से घूम के आए, फिर से वापस इधर।
कितनी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है, घोड़े घोड़े। अब हम यहाँ से फिर से मर्ज होने जा रहे हैं, मतलब हाईवे पे जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, ट्रक वगैरह जो भी है बड़ी गाड़ी, तो उनको यहाँ से मतलब कंडा वंडा करवा के आना पड़ता है, फिर वो मर्ज आ जाते हैं इस हाईवे पे। तो जो छोटी गाड़ियां है ना, छोटी गाड़ी जो भी है, वो यहाँ से सीधा आते हैं इस हाईवे से, सीधा उनको आने देते हैं, खाली उनको वहाँ पे टोल कटवाना पड़ता है। तो बस तो चलते हैं हम, हो गए मर्ज, अब यहाँ से सीधा चलेंगे। आप देखो यहाँ पे, तो मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ पे हैं अभी। देखो वो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, जूम करने की कोशिश, आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। देख लिया, तो बस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से लिया हमने पानी और एक ड्यू बोतल इधर से ढाबे से। तो चलते हैं, फिर से करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। ओके भाई, बाय बाय। चलो 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 भाई, चलो भाई, अपना मार रहा है पानी इधर शीशु पे, तो ये साफ हो जाएंगे। गर्दा वर्दा इन पे बैठ गया ना, अभी साफ हो जाएंगे पूरी तरह से। हमने सोचा था हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे देंगे पानी, ताकि गर्दा ये चला जाएगा, बहुत गर्दा पड़ गया था इसके। तो अपना भाई ठीक है, 22 वाला चल रहा है आगे आगे 12 डेयरी लेके, तो बहुत ही मस्त 12 डेयरी। अगर ये रुकाना है कहीं पे तो मैं इसको उठाऊंगा एक रील, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना, आपको नजर आएंगी सारी रील, राजा उसी ब्लॉग। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा बन गया है, तो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ इस व्लॉग को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, जरूर करना। तो सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया, तो थैंक यू, उसके लिए नहीं किया तो आप क्या दीजिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज हम ना जम्मू टू श्रीनगर चलने वाले हैं रोड पे।